तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी एक्सेल फाइल पर किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि आपकी जो फाइल है एक्सेल की वो कोई नहीं खोल सकता है। तो कैसे करना है तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको एक कोई भी एक्सेल की फाइल ओपन कर लेनी है जिसमें मैटर कुछ लिखा हो, ठीक है, और वो आपने सेव कर रखी हो, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यह फाइल ले ली, तो मुझे ये प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली सबसे ऊपर चले जाना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबसे ऊपर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है सेव एज पे, क्योंकि ये फाइल हमें प्रोटेक्ट करनी है। तो सिंपली सेव एज पे जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आके देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पर टूल वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली ध्यान देना है यहाँ पर जर्नल ऑप्शन, तो सिंपली इस जर्नल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको ध्यान से देख लेना है, तो यहाँ पर आपको वो पासवर्ड दे देना है जो भी आप एक्सेल फाइल में आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे देता हूँ 123, और उसके नेक्स्ट में भी दे देता हूँ 123। ओके करता हूँ यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पर मेरे को फिर से एक और बार प्रोसीड करने के लिए, यानी कि हमें बुक क्लियर करना चाहता है, तो यहाँ पर मैं 123 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ यस। अब ये जो फाइल है वो मेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं जैसे ही इस फाइल को ओपन करूँगा, तो ये जो फाइल है ये फर्ट ई सी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये फाइल वो हमारी, जैसे मैंने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे और उसके बाद फिर से एक और बार पासवर्ड दे देना है और ओके कर देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पासवर्ड से आपकी ये फाइल खुल गई है। तो अब इस पासवर्ड को हटाना है, तो वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। फिर वहीं सेवेज में जाना है, सेवेज में जाने के बाद फिर जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद आपको अब पासवर्ड हटाना है। हटाने के लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है और ओके कर देना है। आपको उसके बाद सेव कर देना है। अब देखिएगा, अब ये जो फाइल है वो हमारी विदाउट पासवर्ड खुल जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ओपन करके, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपनी एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना